अबाबिल और कौवे की कहानी। जंगल में एक ऊंचे पेड़ पर एक अबाबिल पक्षी रहता था। उसके पंख रंग बिरंगी और सुंदर थे, जिस पर उसे बहुत बड़ा घमंड था। वह खुद को दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी समझता था। इस कारण हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता रहता था। एक दिन कहीं से एक काला कौवा आकर उस पेड़ की एक डाली पर बैठ गया, जहां अबाबिल रहता था। अबाबिल ने जैसे ही कौवे को देखा तो अपनी नाक भौं सिकोड़ते हुए कहने लगा, सुनो, तुम कितने बदसूरत हो, पूरे के पूरे काले। तुम्हारे किसी भी पंख में कोई रंग नहीं है। मुझे देखो, मेरे रंग बिरंगे पंखों को देखो, मैं कितना सुंदर हूँ। कौवे ने जब अबाबिल की बात सुनी तो बोला, कह तो तुम ठीक रहे हो, मेरे पंख काले हैं, तुम्हारे पंखों जैसे रंग बिरंगी नहीं, लेकिन ये मुझे उड़ने में मदद करते हैं। वो तो मुझे भी करते हैं, देखो। कहते हुए अबाबिल उड़कर कौवे के पास जा पहुंचा और अपने पंख फसराकर बैठ गया। उसके रंग बिरंगी और सुंदर पंखों को देखकर कौवा मात्र मुग्ध हो गया। मान लो कि मेरे पंख तुमसे बेहतर है, अबाबिल बोला। वाकई तुम्हारा पंख दिखने में मेरे पंखों से कहीं अधिक सुंदर है, लेकिन मेरे पंख ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये हर मौसम में मेरा साथ रहता है, और इनके कारण मौसम चाहे कैसे भी हो, मैं हमेशा उड़ पाता हूँ। लेकिन तुम ठंड के मौसम में उड़ नहीं पाते, क्योंकि तुम्हारा पंख जड़ जाता है। मेरे पंख जैसे भी है, वो मेरे साथ कभी नहीं छोड़ते, कौवा बोला। कौवे की बात सुनकर अबाबिल का घमंड चूर चूर हो गया। सी, दोस्ती करें तो सीरत देखकर करें, ना कि सूरत देखकर, क्योंकि अच्छी सीरत का दोस्त अच्छे बुरे हर वक्त में हम आपके साथ रहेंगे और आपका साथ देगा। वही मौका परस दोस्त अपना मतलब साधकर बुरे वक्त में आपको छोड़कर चला जाएगा।